राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिवाली पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह त्यौहार आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना को और मजबूत करने का एक अवसर है। उन्होंने कहा, दिवाली खुशहाली और उल्लास का त्यौहार है। दिवाली के दिन लोग अपने घरों में देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और सबकी खुशहाली और समृद्धि के लिए कामना करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना को और मजबूत करने के लिहाज से दिवाली एक अवसर भी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि दिवाली की रोशनी ज्ञान और प्रतीक है, जो हमारे अंतर्मन के अंधेरे और बाहरी अज्ञानता को दूर करती है। मुर्मू ने कहा, दिवाली के शुभ अवसर पर भारत और विदेश में रह रहे सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिवाली पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह त्यौहार आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना को और मजबूत करने का एक अवसर है। उन्होंने कहा, दिवाली खुशहाली और उल्लास का त्यौहार है। दिवाली के दिन लोग अपने घरों में देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और सबकी खुशहाली और समृद्धि के लिए कामना करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना को और मजबूत करने के लिहाज से दिवाली एक अवसर है।